बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज असी अलामा इकबाल का यौम वलादत मना रहे हैं। अलामा इकबाल जिहड़े मुफक्कर पाकिस्तान भी ने, हकीम उल उम्मत भी ने, शायर मशरक भी ने, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए कौम नूं जगाया, बेदार किया, नौजवानों नूं झंझोड़िया, उन्होंने अगे वधण की तरगीब दी। मुहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमन, उन्होंने पैगाम यही सी कि अपनी मंजिल जड़ी है उते पहुँचो, अपनी नज़रां उच्चियां रखो और उन्हां दी तरफ उच्ची मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाओ। और उन्होंने इस फलसफे और इस तलकीन और दी रोशनी दे विच असी पाकिस्तान हासिल किया और दुनिया के नक्शे ते सब नालों वड्डी इस्लामी ममलकत वजूद चाहिए। पाकिस्तान की ताबीर वास्ते भी सानू यही जज्बा अपनाना पड़ेगा जिहड़ा इकबाल ने अपने पैगाम के जरिए और अपने कलाम के जरिए सानू दिता है। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। साड़ी जिम्मेदारी है कि असी इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर करिए, ऐसे सब लोग बराबर हों, सारे वास्ते अगे वधन के मौके हों, कानून सब वास्ते एक होवे, सब नूं बुनियादी जरूरियात मुयसर हों। उन्होंने कहा सी उस जिस खेत से दहकाम को मुयसर ना हो रोसी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। जिहड़ी कौम जिहड़ी है उहदे हर फर्द का हक है उहदे वसाइल उत्ते, और वह वसाइल हर शख्स की बुनियादी जरूरियात जिहड़ियां ने वह पूरी होनिया चाहिए ने, उहदा सामान्य ज़ीस्त जिहड़ा है उहनूं मुहैया होना चाहिए है, तदही इज्तमाई तौर पर तरक्की कर सकते हैं, तदही जिहड़े बावसीला लोग ने वह भी आराम नाल बैठ सकते हैं। तो अज भी इकबाल का पैगाम सानूं यही है, अगे वधो, अपनी तकदीर बनाओ, कौम की तकदीर बनाओ और पाकिस्तान नूं एक वड्डी ताकत बना दिओ, एक उच्चा मुल्क बना दिओ, और जिहड़ा ऐसा मुल्क जिहदी दूजी मिसाल ढूंढी ना जा सके।